हाँ जी, तो अभी तक हमने देखा जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनेमिकली, जो यूजर मेमोरी को एलोकेट करता है जब हम लोग फ्री कॉल यूज करते हैं तो मेमोरी डीएलोकेट हो जाती है। ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ हम एक केस देखते हैं, उस केस में हम क्या करने वाले हैं। उस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हमने पहले तो मेमोरी को एलोकेट किया। ठीक है, एलोकेट कैसे करेंगे हम हीप में कुछ मेमोरी को, ये मेरी हीप है, ठीक है, इसमें मेरे को मेमोरी एलोकेट करनी है। मैंने यूज किया इंस्टार पी इज इक्वल्स टू इंस्टार मैलोक कोड। ठीक है, मैंने बेसिकली कुछ मेमोरी असाइन कर दिया है हीप में, और जो मेरा पी पॉइंटर है ये इस असाइंड मेमोरी के फर्स्ट बाइट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या किया, मेरा काम हो गया, मैंने ये मेमोरी डीएलोकेट कर दी। डीएलोकेट मैंने कैसे की, मैंने बेसिकली फ्री कॉल यूज करी, और अब क्या होगा, फ्री कॉल यूज करने के बाद मेरे जो जिस मेमोरी को ये पी पॉइंट कर रहा था, मतलब मैं ये कह रही हूँ जो मेरा पी पॉइंटर है जिस मेमोरी के फर्स्ट बाइट को प्रिंट कर रहा था, अब वो मेमोरी फ्री हो जाएगी और पी से पॉइंट करना बंद कर देगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ, मैं उस फ्री हुई भी मेमोरी को, डीएलोकेटेड मेमोरी को ना एक्सेस करने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि प्रिंट करा दो जो भी जिसे भी पी पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को प्रिंट करवा दो जहां पे पी बेसिकली पॉइंट कर रहा था। तो अब तो अगर हम देखेंगे तो पी तो किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा यहाँ पे, तो क्योंकि पता नहीं है ना अब क्या कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी या फिर यहाँ पे नल पड़ा होगा, बेसिकली वी डोंट नो अबाउट इट। अगर हम इसी चीज को अपने कोड में देखें, ये देखो ये मेरा कोड है बेसिकली, इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग ली है। ठीक है, इस स्ट्रिंग में मैंने स्टोर करवाया हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पेप कोडिंग। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने एक बी नाम की स्ट्रिंग ली और उसकी क्या लेंथ दी है, जो ए स्ट्रिंग को दी हुई है। ठीक है, बढ़िया। अब मैंने थर्ड क्या करवाया, जो मेरी ए स्ट्रिंग का जो कंटेंट था वो बी में भी कॉपी करवा दिया। ठीक है, ये भी डन। अब मैं ए को प्रिंट करवा रही हूँ तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, बी को प्रिंट करवाऊंगी तो भी ये हेलो आई एम स्टूडेंट ऑफ कोडिंग प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बेसिकली बी को फ्री कर दिया, मतलब अब बी बी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब मैं इस केस में क्या कर रही हूँ, अब मैं वापस से बी को प्रिंट करा रही हूँ। अब हीप में तो जो बी असाइन हुई थी, बी बेसिकली जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, अब तो वो मेमोरी मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, जो मैंने उसे कंटेंट दिया था वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हो सकता है उसकी जगह पे कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हो या फिर कुछ और नल पड़ा हो, हमें नहीं पता ना वहां पे क्या होगा। तो यही अगर हम इस कोड को रन करके देखेंगे, ये देखो क्या आता है, क्या आया, पहला तो हमारा ये 11th लाइन पे जो था ए ए ने ए प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारा 12th लाइन पे जो बी था वो प्रिंट हो गया। अब क्योंकि हम बी को फ्री कर चुके हैं इसलिए जब हमने वापस से बी को प्रिंट करने की कोशिश करी ना, तो जो हमारा बी है वो प्रिंट ही नहीं हुआ। और ये जो पूरा कंसेप्ट है ना हमारा, ये यही हमारा पूरा कंसेप्ट है डैंगलिंग पॉइंटर का। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली जब हम ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डैंगलिंग पॉइंटर। जब हमारा जो पॉइंटर ऐसी मेमोरी को एग्जिस्ट करने की कोशिश करे जो मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, दैट इज कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंटर। इसे ना हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के केस में भी देख सकते हैं। होता क्या है, मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है ये मेरा फंक्शन है, यहाँ मैंने वही लिख दिया int x इज इक्वल्स टू 5। अब मैं लास्ट में क्या कर रही हूँ, मैं जो ये x का एड्रेस है ना, अगर मैं इसे एक्सेस करने का ट्राई करूंगी, ठीक है क्या होगा, जब तक मेरा ये फंक्शन x है तब जब तक ये मेरा फंक्शन चल रहा है तब तक तो x है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने नीचे कहीं पे x का एड्रेस एक्सेस करने का ट्राई किया तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी एक्सेस, क्योंकि एक्स तो बेसिकली इस फंक्शन के साथ खत्म हो जाएगा ना। इसी ये जो सिचुएशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया हो सबको।
ठीक है फिर।